बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्वेटनी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और दोस्तों को शेयर करें। आज आपके सामने गाय के अंदर जेर का फंस जाना, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर का रुक जाना, उसका केस लेकर आया हूँ। इस पर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मेरी वीडियो का मकसद है कि जानवर के जेर को कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले अक्सर लोग जो हैं ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। आपने कोशिश करनी है कि सब कम से कम कंटामिनेशन हो, और इस तरह आप अपने आप को भी ग्लव्स का इस्तेमाल करके जो समटाइम्स जूनोटिक डिजीज़ होती हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। ग्लव्स के इस्तेमाल के बाद आप इसको लुब्रिकेशन के लिए लिक्विड पैराफिन या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे एरिया को वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद आपने जेर को निकालना है। और जेर को निकालने के लिए आपको पता है कि कॉटिलीडन और क्रंकल्स जो हैं वो बच्चेदानी करने जुड़े होते हैं, तकरीबन 80 से 120 तक, 120 तक जो है वो कॉटिलीडन्स और क्रंकल्स होते हैं। तो आपने इनको सेपरेट करना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस बेहतर तरीके से इनको एक एक करके मैं सेपरेट कर रहा हूँ। बार बार हाथ को नहीं निकाल रहा, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई खींचातानी नहीं कर रहा, कोई ज़ोर लगा के मैं जेर को निकालने की कोशिश नहीं कर रहा। तो इसी तरह जेर को निकाला गया, और मेरी प्रैक्टिस है कि इसके बाद मैं इसको यूट्राइनली वॉच करता हूँ। बच्चेदानी को हम वॉश करते हैं पोटाश के सोल्यूशन के साथ, और उसके बाद बड़ी एसेप्टिक तरीके से इसमें हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, बड़ा जानवर है तो 100 ml, छोटा जानवर है तो 50 ml, वो हम 1000 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर डाल के वो रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसी बोतल के अंदर हमने किया, हम यहाँ पर भी कंटामिनेशन को मिनिमम कर रहे हैं। उसके बाद इसमें हम टैटनस का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, इमिटेड कैम्प्यूल इस्तेमाल करते हैं। 3 से 5 दिन इनको एंटीबायोटिक और एनसेड पे रखेंगे, और अल्लाह के फजल से जानवर जो है बेहतर। तो एक हफ्ते के बाद दोबारा इसी को हम सेम प्रोटोकॉल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में इसकी बच्चेदानी में रखेंगे। 15 दिन पे फिर हम इसको रिपीट करेंगे, और 20 दिन पे हम इसमें मेट्रिक्योर रख देंगे, और ये जानवर इंशाल्लाह टाइम पे हीट में भी आएगा और ठहर भी जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर स्वेटनी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।